खनियाधाना नगर के पौछियाई गल्ला मंडी के पीछे पंकज जैन किराना व्यापारी के घर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 2 बजे अज्ञात बदमाश लूटपाट करने घर में घुस गए। बदमाशों में एक बदमाश बेटी के कमरे में घुस गया और बच्ची चिल्लाने लगी तो बदमाशों ने बच्ची के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब बदमाश बच्ची के कमरे से बाहर निकलकर गेट लगाने लगा तो गेट नहीं लगा। उसके बाद किराना व्यापारी का घर में रखा थैला जिसमें बही खाता लेन देन लिखा था और लगभग 90,000 रुपये रखे हुए थे वह बदमाशों ने अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद किराना व्यवसायी पंकज जैन ने उनको रोकने का प्रयास किया तो दूसरे एक बदमाश ने कट्टा निकालकर पंकज जैन के हाथ में बट से हमला कर दिया और धक्का देकर अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों लुटेरे मेन गेट का दरवाजा खोलकर भाग खड़े हुए। वहीं जब हमारी टीम ने परिजनों से बात की तो परिजनों का कहना था कि कट्टे की नोक पर हमारे घर में दोनों बदमाशों ने 1,50,000 की लूट की है और जब लुटेरे भागने लगे तो छीना झपटी में कट्टा नहीं छूट गया था जिसको हमने पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है और लूट में 90,000 रुपये और बही खाता लेन देन के कागजात लूट ले गए। जब पुलिस से पूछा गया तो उक्त लुटेरों ने कट्टे की नोक पर लूट की है तो पुलिस ने स्पष्ट मना करते हुए कहा कि कट्टे की नोक पर कोई लूट नहीं गई है, लुटेरे के हाथ में डंडा था। इससे अब सवाल उठता है कि परिजन सही कह रहे हैं या पुलिस। फिलहाल खनियाधाना पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। खुशी जैन, खुशी आपके यहाँ पर चोरी हुई है और आपके साथ में जो चोर आए थे उनमें मुठभेड़ भी आपके साथ हुई है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? सर रात को 1 बजे का टाइम था, सब लोग सो रहे थे घर पे, मेरी नींद नहीं लगी, मैं उस टाइम जागी थी, किसी ने जाग कर देखा रूम के गेट से तो हमें डर लगा तो उस समय वो आया रूम में अंदर, एक हाथ में डंडा लिए, एक हाथ से बोलता है तू चुप रह नहीं तो मार के फेंक दूंगा। उसने सामने टेबल पर रखा था बैग कॉपी किताब का, दुकान के जो रहता है भाई, तो उसने बैग को उठाया, जब हम उसको पकड़ने लगे तो उसने डंडे मारे 3-4 हाथ में पैर में, तो फिर वो भागा धीरे, लेकिन उस टाइम हमें होश नहीं था कि क्या है। तब छोटी बहन उठी, उसने बोला कि तुम्हें दूसरे व्यक्ति ने आके डंडा मारा है। तब पापा कमरे में थे, पापा का गेट पकड़ लिया उसने कि वो कमरे से बाहर नहीं आ पाए दूसरे वाले रूम से, तो उसने गेट को पकड़ के ऐसे रखा, उसने कुंडी लगाने की कोशिश की लेकिन गेट पर कपड़े टंगे थे तो उस कारण से कुंडी नहीं लगा पाया। तो जैसे ही पापा बाहर निकल गया जब तक उसने बैग ट्रांसफर कर दिया किसी और को, दूसरा वाला, तो पापा जब तक जीन डंडे के साथ में और कोई हथियार भी लिए थे साथ में? पहले तो डंडा देखा हमने, जो एक अंदर आया था वो सिर्फ डंडा लिया था, उसने डंडे भी मारे थे, सिर्फ डंडा देखा उस टाइम। जब जीने के यहाँ पहुंचे तो पापा को उसने वो हथियार को खोला मारने की कोशिश की, तो फिर बाबा ने उस हथियार को पकड़ा तो उसकी में गोलियां नहीं थी कुछ, तो मार नहीं पाया तो उसने यानी कि उसको टेढ़ा करके मारा, मम्मी को मारा, पापा को मारा, बाकी जो पीछे से भाग रहे थे तो उस कारण से पापा नीचे गिर गए, वहां निकलने जगह कम थी, पापा गिर गए तो उस पापा के ऊपर खड़ा हो गया। के अलावा और भी पैसे वगैरह भी ले रहे हैं? हाँ, उसमें पैसे भी थे, 1.5 लाख के समथिंग। क्या नाम है? पंकज जैन। जैन साहब, आपके यहाँ पर आज रात्रि में चोरी हुई है, क्या पूरा मामला रहा है? चोरी का मामला, दो चोर आए और अंदर कमरे में आके अंदर पहुंच गए, मेरी लड़की ने उनको देखा और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाई पापा पापा पापा, जब मेरी नींद खुली तो मैंने उठ के देखा तो बच्ची में डंडा मार दिया उसने 2-3-4 और बैग लेके बाहर को लिए भागे। मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की तो उनने कट्टा निकाल कर वो मेरे में लगा दिया, मैंने कट्टा उनका पकड़ा, जैसे ही तो कट्टे में शायद कुछ था नहीं तो उनने आके कट्टा उल्टा करके वो मेरे हाथ में मार दी, मेरे हाथ में चोट आ गई है। तो और कट्टा वो लेके भाग गए या फिर नहीं? कट्टा तो छूट गया और अपन ने उनको पकड़ा तो हम नीचे गिरे, वो ऊपर से मेरे ऊपर आ गए, तो इसलिए वो भागने में सफल रहे, उनने एक हाथ से कुंडी खोली, कुंडी खोल के वो निकल गए। लगभग 1.5 लाख रुपये नकदी है और कॉपी कागज है, बिल कट्टा है मेरा। ये कितने बजे की घटना है? ये रात के करीबन 1 बजे की घटना है। रात्रि में चोरी हुई है, क्या पूरा मामला है? रात्रि में पौठियाई में पंकज जैन के यहाँ एक चोरी हुई है, रात में उन्हें सूचना दी थी, पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई थी, मैं भी पहुंच गया था, तो दो लोग उनके घर के अंदर घुसे और एक बैग में पैसे रखे थे, वो पैसे लेके भाग गए। हम विवेचना कर रहे हैं और उनके यहाँ काम वाम चल रहा था, कुछ मजदूर वजदूर भी आ रहे हैं देख रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ जल्दी सफलता मिलेगी, पुलिस को लगातार प्रयास जारी है। उसमें बताया जा रहा है कि
कुछ हथियार भी लेके आए थे, वो भी बरामद हुआ है? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है, हथियार वथियार तो नहीं मिले हैं उनको। हो सकता है रात में कुछ ऐसा लगा हो, डंडा वंडा कुछ होंगे, तो वो लगातार प्रयास जारी है, जैसा भी कुछ होगा तो हम आगे बताएंगे। नब्बे हजार करीब बता रहे थे उनको, काउंट नहीं थे, दुकान में उनका किराना का काम है, तो लगभग 90,000 के करीब बता रहे थे।